नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। मार्केट में जो दृष्टि की घटनाचक्र की जो दृष्टि है वो आ चुकी है और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और पेज नंबर 165 पर आपके राष्ट्रीय स्थल है, इनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय स्थल को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये बात समझ लीजिएगा, आपको पास केवल दो मैगजीन है, उसकी स्टडी मारी है। मैंने पहले सेशन में आपको घटनासार कराया था और घटनासार कराने के पश्चात अब आपके पास दृष्टि है। इन दोनों को बिल्कुल चाट जाइएगा, एक एक लाइन उसकी रट मारिएगा, आप निश्चित रूप से समझेंगे, जानेंगे जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे कि मोर देन 90% आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो इन दो ही पत्रिकाओं से आ जाते हैं। इसलिए किसी के चक्कर में ना रहें, केवल आप मेरे ये वाले वीडियो देख लें जिसमें सारे क्रमबद्ध तरीके से सारा समझाया जा रहा है, और प्लस आप ये दोनों मैगजीन को आप खरीद कर ले आए और स्टडी करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय स्थल को। पहला जो यहाँ पर स्थल दे रखा है वो पटना है ना। पटना गंगा किनारे स्थित है और बिहार की क्या है, राजधानी है। बिहार के इस राजधानी शहर में केंद्रीय जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह, उन्होंने क्या किया है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न की है। यहां से आप प्रश्न क्या क्या बन सकता है ये समझ लीजिए। कौन से नंबर की बैठक थी, 26वीं किसकी थी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। यहां से पिछली बार परिषद से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि किस परिषद में कौन सी, यानी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य शामिल है। हम बात पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कह रहे हैं तो यहां पर कौन कौन से राज्य हैं, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट आते हैं, और भी परिषद आप याद कर लीजिएगा, पॉलिटी का विषय है, वहां पर देखेंगे इसको। फिलहाल अभी तो हम करंट भी ही देख लेते हैं। अब देवघर की हम बात कर लें तो देवघर में, जो कि देवघर है कहां पर, ये झारखंड में है और झारखंड का शहर है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 मां जन औषधि केंद्र खोला है। कहां पर, देवघर में। कहां पर है ये, झारखंड में। कौन से नंबर का जन औषधि केंद्र है ये, 10,000 मां। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगला लक्ष्य भी दे दिया, इसमें टारगेट भी कर दिया कि अब हम 25,000 केंद्र खोलेंगे। अर्थात ये संख्या अब 10,000 से कहां पहुंचेगी, 25,000, अर्थात 15,000 और खुले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमें टारगेट है हमारा 25,000, जिसमें हमने 10,000 ऑलरेडी मील का जो पत्थर था वो चेक कर लिया है, हिट कर लिया है। बात करते हैं शिमला की। शिमला कहां की राजधानी है, शिमला राजधानी है आपकी हिमाचल प्रदेश की। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर क्या है, विद्या समीक्षा केंद्र खोला है। कहाँ पर, शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक। अब ये समीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ और खोले जा चुके हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में तो अभी खुला है, लेकिन गोवा, गुजरात एंड उत्तराखंड में ये खोले जा चुके हैं। अर्थात चार राज्य ऐसे हैं जहां पर विद्या समीक्षा केंद्र खोले जा चुके हैं, इसलिए चारों के चारों राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेंगलुरु की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से मुझे लगता है ये 5-स्टार प्रश्न है, यहां से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाना चाहिए। बेंगलुरु एक के बारे में समझ लीजिए, कर्नाटक में ये एक नियोजित शहर है, प्लान्ड सिटी है, अर्थात इसे प्लान करके बसाया गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या हुआ है, 287 किलोमीटर यहां पर सर्कुलर रेलवे बनाया जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। भारत की सबसे बड़ी क्या होगी, सर्कुलर रेलवे होगी। ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, तो स्वाभाविक क्या है, किलोमीटर भी पूछे जा सकते हैं, तो वो है 287 किलोमीटर है। कर्नाटक के इस शहर में बात करें तो दिव्य कला मेला 2023 आयोजित किया गया था, जो कि 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक था। कितना, 27 अक्टूबर से लेकर के कहां तक था, 5 नवंबर 2023 तक है। ये पूरा डेटा याद और डेट आपको याद होनी चाहिए। नोकिया की बात कर लें, नोकिया की कंपनी बहुत हिट रही है, मोबाइल की कंपनी है, अब हालांकि उसका उतना डिमांड नहीं रहा है, लेकिन बात करें, इसने बेंगलोर में 6G लैब का उद्घाटन किया है, अर्थात इसको लॉन्च किया है। साथ ही देश की पहली अंडरग्राउंड यानी भूमिगत पावर ट्रांसफॉर्मर जो केंद्र है वो, उसका भी उद्घाटन कहां किया गया है, जो वो किया गया है आपका बेंगलुरु में। अब
केंद्रीय मंत्री है हमारे अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा कर्नाटक के शहर में कैम्ब्रिज लेआउट में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो आपके प्रश्न है जो संबंधित है बेंगलुरु से, मुझे लगता है यहां से प्रश्न पूछे जाना चाहिए। अब यहाँ वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की हम बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में का हिस्सा बनने वाला ये जो बेंगलोर है वो पहला भारतीय शहर था, और ये 27 जुलाई 2023 की बात है। कर्नाटक के इसी शहर में यानी बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौथ, क्या से सौथ, ठीक है, सौध सॉरी, का शिलान्यास 24 मार्च 2023 को किया गया है। साथ ही भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% कौन सा मेथेनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप जो ट्रक है उसको भी कहां लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया था। कब, 12 मार्च 2023 को है। अब बात करते हैं गुजरात का एक शहर है केवड़िया, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ परियोजनाओं को लॉन्च किया है। लगभग 160 करोड़ की ये परियोजनाएं थी, लेकिन ये तो डेटा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है गुजरात में, है ना, एकता नगर से अहमदाबाद तक, कहां तक, एकता नगर से अहमदाबाद तक गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन, कौन सी, पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई गई है सॉरी, ठीक है। तो केवड़िया आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मैंने बता दिया, और ये हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें लखनऊ की, लखनऊ तो आपकी राजधानी है, हमारी राजधानी है, और यहां का कोई भी डेटा आए, कोई भी न्यूज आए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लखनऊ की हम बात करें तो यहां पर ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह किससे संबंधित है, देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहिमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस है ये ट्रांसकॉन 2023, इसका शुभारंभ यहां पर किया गया है, पूछा जा सकता है। अब चूंकि मेट्रो सिटी है, यहां पर जो बंदर है उनका आतंक ज्यादा हो गया है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो गई है, और जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है वहां पर भी समूह के रूम में झुंड बनाकर के आते हैं। मेरे लिए तो कोचिंग में ही जहां ये आपका मैं रिकॉर्ड करता हूं तो पूरा काफी नुकसान भी कर दिया हुआ है, बड़ी मात्रा में समूह बना के बंदर आ जाते हैं, तो इसका भी समस्या का सोल्यूशन किया जा रहा है। इसके लिए यहां पर मतलब लखनऊ से बाहर बानर वन बनाया जाएगा, क्या, बानर वन बनाया जाएगा, ठीक है। अब बात आई ग्वालियर की, ग्वालियर, ग्वालियर कहां पर है, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है। मानसिंह तोमर के द्वारा यहां पर एक किला बनवाया गया था, और तानसेन भी कहां के थे, ग्वालियर के ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और साथ ही इसका नामकरण भी किया गया है, और नामकरण किया गया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, और क्या रखा गया है, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है सागर में। सागर में क्या है, नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं को अंजाम दिया है, उनका शिलान्यास किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसमें संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक, ठीक है, मैं बता रहा हूं ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार मान लीजिए ये, ठीक है। तो कहां पर आपका, सागर में, कहां पर, सागर में, सागर कहां, एमपी में है, और क्या बनेगा यहां पर, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक यहां बनाया जाएगा। अब देखिए मेहसाणा की हम बात कर लेते हैं, तो जो मेहसाणा है ना ये कहां पर है, गुजरात में है, और यहां पर मोती भाई, कौन सा, मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंस की द्वारा, जो अमित शाह है हमारे उनके द्वारा इसका उद्घाटन अर्थात शिलान्यास किया गया है। यह देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है, क्योंकि सहकारिता मंत्री अमित शाह है, अतः सहकारिता से संचालित स्कूल खोला गया है, तो उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया, क्या है, पहला सहकारिता से संचालित स्कूल। अब बात कर लेते हैं हम सूरत की है, तो देखो सूरत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समय 1.53 लाख लोगों ने एक साथ योग किया, और ये रिकॉर्ड गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, इसलिए ये शहर आपके चर्चा में है, पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा बालासोर। बालासोर क्यों इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा था, और यहां पर उड़ीसा का, उड़ीसा के इस जिले में
एक ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, ठीक है, कब हुई थी, 2 जून 2023 को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये डेटा आपको आपदा प्रबंधन में एक डेटा के रूप में, एक चुनौती के रूप में और इस समस्या के रूप में आपको लिखने के लिए हो सकता है ये डेटा, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आ भी जाए। ये कब हुई थी, 2 जून को हुई थी, और यहाँ पर जो हावड़ा जो SMBT थी, यानी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और दूसरी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये दोनों टकराई थी और एक मालगाड़ी टकराई थी, ये तीनों के टक्कर से ये पूरी दुर्घटना हुई थी। अब बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम की है, कहां पर है ये, तिरुवनंतपुरम आपके केरल में स्थित है, केरल का ये क्या है, नगर है, सिटी है, और यहाँ पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल का उद्घाटन किया गया है, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के इस शहर में सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है, तो ये तो कोई खास है नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कोचीन मेट्रो, कोचीन बाटर मेट्रो भी राष्ट्र को समर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही यहाँ बात करें डिजिटल साइंस पार्क, तो डिजिटल साइंस पार्क कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, ठीक है। दमन, नरेंद्र मोदी के द्वारा दमन में नमोपथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया है, 5.45 किलोमीटर ये लंबा देव का सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, तटीय सैरगाह इंपोर्टेंट है भैया इस बार के लिए, और औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज किया गया है, यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, चलो याद कर लेते हैं। क्या देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का नाम बदलने हेतु मंजूरी दी गई है। अब औरंगाबाद को क्या कहा जाएगा, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर कहा जाएगा, और उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धाराशिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपकी दृष्टि थी, घटना चक्र था, इसका जो सेशन था जिसमें हमने राष्ट्रीय स्थलों की चर्चा की है, ये हमने आपको डिस्कस किए हैं, यहां से पॉइंट आप निशान लगा लीजिएगा। देखो जब आप घटना चक्र जब पढ़ेंगे तो इस वीडियो को साथ में लेकर के पढ़िएगा, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया है वो आप अपने में मार्क कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा जो मैं टेस्ट लूं इसे पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद ही आप टेस्ट दीजिएगा, फिर अपना मूल्यांकन करिएगा कि आपने इसका कितना प्रतिशत हिस्सा डाइजेस्ट किया है। ध्यान रखना 90 से 95% तो आपको डाइजेस्ट करना ही करना है, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। हल्के में बात इसको मत लेना, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 10 लाख लोगों में आपकी फाइट नहीं है, आपकी जो फाइट है वो आपकी 30,000 लोगों में, 30,000 जो वेल प्लानिंग, अपने अनुभव, अच्छी रणनीति, डिसिप्लिन होकर के, अनुशासित होकर के तैयारी कर रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अपना रिवाइज कर रहे हैं, उनके परफेक्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बन चुके हैं, आपकी इन 30,000 लोगों से फाइट है, 10 लाख से नहीं है। तो आप इन 30,000 से लड़ने जा रहे हैं तो अपने आप को मजबूत करके चलेंगे, वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर कोई सुझाव है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।